क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू। सोनू, आज क्या मामला है, किस बात को लेकर इतनी भीड़ लेकर कहाँ पर आए हो? हम लोग आए थे, पूरी पब्लिक आई है स्टेशन हेडक्वार्टर कैंटोनमेंट ऑफिस। हम लोग करते थे स्टेशन हेडक्वार्टर में लूटी, और स्टेशन हेडक्वार्टर में लूटी हम लोग को 15 दिन कह करके बैठा दिया गया। ठीक है, आप लोग 15 दिन बैठो, 15 दिन के बाद आप लोग को ले लिया जाएगा। कब बैठाया गया? हम लोग को 16-18 महीने करीब हो गए हैं बैठे। अच्छा सर, तो इसलिए यहाँ पे आए कि हम लोग की सुनवाई हो जाए, और यहाँ पे जितने लोग हैं सब ड्यूटी पे चले जाए। आपसे क्या कहना है, आप लोग आए सभी लोग? सर, हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान। कौन? 18 महीने से हमारा घर कैसे चल रहा है, हम जाए किसी के घर में रोजी रोजगार है, कोई कमाने वाला है, कोई नहीं है, कोई कोई बेचारी महिला मजदूरी करने जा रही है। इतना ज्यादा परेशान है कि ये समझ लें कि कुछ बन नहीं रहा है, क्या कर लें। यहाँ पे आते हैं तो कहते हेडक्वार्टर जाए, हेडक्वार्टर से बोलते हैं कैंटोनमेंट ऑफिस जाए, कैंटोनमेंट ऑफिस आते हैं तो कोई बात नहीं करता सीधे। अभी नई भर्ती निकली क्या? जी हाँ सर, अभी नया ठेका हुआ, बोलते थे टेंडर होगा तो आपको ले लिया जाएगा। अभी टेंडर हुआ तो पक्ष सुनाई में आई है कि लोग आप पैसे दे दे के लग रहे हैं यहाँ पे। अभी मिलने आए तो कोई सीधे बात नहीं कर रहा अधिकारी। क्या मान चुका नहीं होगी सुनवाई तो आप सभी सर कुछ ना कुछ तो कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को। अभी तक कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे तो 15-20 बार आ चुके सर, 18 महीने में कम से कम। कोई कोई जब लगे तो हफ्ते में 2-3 दिन बाद आते थे, बोलते अब टेंडर होगा तो लगा लिया जाएगा। आप टेंडर हुआ तो डायरेक्ट मना कर दिया कि हमने नई लीवर रख ली। आपकी जो यहाँ के उच्च अधिकारी से बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? सर वो डायरेक्ट मना कर रहे हैं बात करने के, आप ठेकेदार से बात करिए, हमारा काम टेंडर देना है, किसी को लगाने का नहीं है। ठेकेदार जी ने क्या कहा आप लोगों से? ठेकेदार सर नया है, हमसे मिला ही नहीं है सर अभी तक। हम लोगों के बच्चों की फीस नहीं जा रही, मालूम है आपको? हमें रोज रोज मतलब लेक्चर मिलते हैं, हमारे बच्चों को लगा दिया जाता है, हम लोग वहाँ विनती कर रहे हैं, आप बताइए हम कैसे अपना करते हैं। महासंगठन जनहित की लड़ाई थी, जो सफाई कर्मचारियों की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले चुनाव होने के पहले इन्होंने डीएम को ज्ञापन दिया था श्रम मंत्रालय के नाम का, उसके बाद इन्होंने श्रम मंत्रालय के बाद सफाई आयोग और प्राइम मिनिस्टर को भी दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की आज तक वो गवर्नमेंट की सरकार है आज। इसके बावजूद भी जब इन्होंने कार्रवाई करी, पहले तो ये यहाँ आते थे, चक्कर लगाते थे एक लंबे समय से, फिर इनको विभाग कभी टाल मटोल करता था, कभी अधिकारी करते थे, इनको इधर उधर चक्कर लगाते थे। जब ये डीएम साहब के आ गए, इन्होंने सीधे श्रम मंत्रालय प्राइम मिनिस्टर को जब लोगों ने ज्ञापन दिया, इनकी लिखा पढ़ी स्टार्ट हुई, आज ठेका हो गया है। ठेका होने के बाद ये वो लोग हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, जिनकी दैनिक बीपीएस में आपका स्वागत है। एससीएसटी के प्रदेश महासचिव अमित करोते जी, झांसी कैंट के अंदर जो सफाई कर्मचारियों की जो लड़ाई चल रही है, उस विषय में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं डीपी आयोग का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो कि सब चीज को कवरेज कर रहे हैं। और आज जो झांसी कैंट बोर्ड में सफाई कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है, उसकी जो लड़ाई चल रही है जो कि भारतीय और जितेंद्र कचहरिया जी के नेतृत्व में हो रही है, मैं उनका अपने संकट के तहत अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं समाज की ओर से मैं पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा और उनकी लड़ाइयों को मजबूत करूंगा। और जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, निजीकरण के खिलाफ, पहली बात तो सरकार को निजीकरण समाप्त करना चाहिए, और निजीकरण के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे सारे संख्या मिलकर, और जितने भी सफाई कर्मचारियों का हक है उन्हें दिलाकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।